नेताजी सुभाष चंद्र बोस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के पक्ष में रहे हैं। घनश्याम श्रीवास्तव। गुना से खबर सामने आ रही है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर आज दोपहर में कलेक्ट्रेट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर उद्यान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जयंती वर्ष आयोजन कमेटी गुना के द्वारा पुष्प अर्पण आयोजन रखा गया, जिसमें कई लोगों ने पुष्प अर्पित किए। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कमेटी के मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान माहौल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मनाने का सही तात्पर्य होगा कि हम उनके विचारों को आत्मसात करते हुए देश की वर्तमान परिस्थिति में हो रहे अन्याय शोर से जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर संयुक्त संघर्ष करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशभक्ति और सच्ची देश सेवा का अद्वितीय उदाहरण अपनी ICS की नौकरी को त्याग कर और देशवासियों के सामने सटीक विचार रखकर पेश किया था। आज के दौर में हमें उनसे ये सब सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के पक्ष में रहे हैं। आज़ादी आंदोलन के दौरान भी उन्होंने कूप मंडूकता, धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरता, अतार्किक सोच, अंधानुकरण, उच्च नीच जातपात के खिलाफ संघर्ष करते हुए इंसानियत का संदेश दिया था। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मध्य प्रदेश कमेटी द्वारा प्रकाशित मैं सुभाष बोल रहा हूँ पुस्तक का विमोचन किया है। आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वीं जन्म जयंती आयोजन समिति के माध्यम से यहाँ पर इस पार्क में जो कि कलेक्ट्रेट परिसर में है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये पार्क है, इस पार्क में आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहर के गणमान्य नागरिक उसमें उपस्थित रहे हैं और नेताजी कमेटी की ओर से आदरणीय श्री घनश्याम श्रीवास्तव जी जो कि पूर्व प्राचार्य भी रहे हैं, उन्होंने आज यहाँ पर अपना वक्तव्य रखा है और हम कोशिश कर रहे हैं तमाम स्कूल कॉलेजों में, गली मोहल्लों में नेताजी का विचार जा पाए। एक पुस्तिका का विमोचन आज यहाँ पर किया गया है। मैं सुभाष बोल रहा हूँ, इस पुस्तिका का विमोचन आज यहाँ पर किया गया है। हम सभी शहरवासियों को इस अवसर पर संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी भी नेताजी के विचारों को फैलाने के लिए आगे आएं और इस मुहिम को तेज करें।